नमस्कार साथियों, मैं विकास कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। साथियों आज साथियों हम लोग देखने वाले हैं साथियों क्लास 11 के साथियों चैप्टर 7 लेक्चर नंबर 2 साथियों 7.1 के साथियों आज पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड फ्रॉम दैट डिजिट 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट। साथियों वहाँ पे क्या कहा गया है, थ्री डिजिट साथियों तो हमने क्या थ्री बॉक्स बना लिया साथियों, कितने बना लिए थ्री बॉक्स बना लिए हैं साथियों। इसमें नंबर्स कितने दिए गए हैं, नंबर देखिए क्या दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 क्या दिए गए हैं साथियों, देखिए नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 और 5 नंबर दिए गए हैं साथियों। अब आप गौर करिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, मतलब आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ ही भर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, दो भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बॉक्स दिए गए हैं, अपन ने रफ में लिया, आप सोच भी सकते हैं दो भर सकते हैं फिर साथियों 3 भर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या कहा गया है, रिपीटेशन इज अलाउ। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउ, आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं साथियों। जैसे कि मान लीजिए ये सही बॉक्स दिया, इसे आप कितने वे से भर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। जैसे कि अपन जाओ तो उसमें अपने कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 5 5 तरीके हैं, है कि नहीं। पर कितने वे से भर सकते हैं, कितनी तरह से भर सकते हैं 5 तरह से। ठीक है साथियों और क्वेश्चन में क्या कहें, अलाओ हम बार यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं, बार बार 5 लिख सकते हैं साथियों। आप बताइए आप कितने तरीके से भर सकते हैं, अभी भी 5 तरीके से भर सकते हैं, है कि नहीं साथियों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिपीटेशन इज अलाउ। ठीक है साथियों, ये हमारा 5 हम कर सकते हैं 4 साथियों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउ तो यहाँ पर साथियों क्या आता, 5 को मैंने एक बार भर दिया तो क्या बचता, 4 बचते 1 2 3 4, तो 4 वेज हो जाते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ये साथियों, मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है साथियों, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड 5 वेज, कितने वेज साथियों, 5 वेज है। सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड इन 5 वेज साथियों, आप बॉक्स में भी वेज लिख लीजिएगा वेज। ठीक है साथियों, मतलब तरह तरीके। ठीक है साथियों, 5 वेज साथियों, देखिए हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या क्या कहता है साथियों, यहाँ पर लिखते हैं ऑफ काउंटिंग क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि जैसे साथियों ये 3 वेज आते हैं, तीनों वेज क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 मतलब कितने तरीकों से, 125 वेज। ठीक है साथियों, यहाँ पे साथियों हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है, अब हम सेकंड देखते हैं साथियों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, सेकंड लिखेंगे। ठीक है साथियों, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। आइए अब हम देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड भी सेम वही चीज कही गई है। आइए इससे पहले साथियों क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउ, क्या है नॉट अलाउ। अच्छा, जो फर्स्ट को भरने के तरीके कितने हो सकते हो, तो होते आप बताइए, फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए 5 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 और अलाउड रिपीटेशन और नॉट अलाउ, ये 5 हमने भर दिया। अब 5 मान लीजिए यहाँ पे नहीं, आप कितने तरीके हैं सेकंड बॉक्स को भरने के लिए, 4 तरीके हैं, 1 भरेंगे या 2 भरेंगे या 3 भरेंगे या 4 भरेंगे, कितने भरे हैं 4। साथियों हमने मान लीजिए यहाँ पे 2-3 बॉक्स थे साथियों, हमने पहले भरा 5, दूसरे में भरा 4, अब साथियों 5-4 को छोड़ के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं, 3 तरीके से, तीन तरीके से तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 वेज साथियों तरह। साथियों अब देखिए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन कितने वेज साथियों, 5 वेज। सेकंड में सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड 4 वेज। थर्ड साथियों हमारा देखिए, थर्ड में आ जाएगा थर्ड वेज। थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इन थर्ड वेज, मतलब तीन तरीके से भरा हमने। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा, अब इसको मेरिज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट का था क्या आ रहा है, 5 × 4 × 3 साथियों, 5 साथियों कितना होता है 20। ठीक साथियों, और 2 3 कितना होता है हमने यहाँ पर निकाला 20, 2 3 होता है 6, 2 3 कितना होता है 6, तो कितना होता है 6 को मल्टीप्लाई हो गया 0 में 60 हो गया, कितने वेज होगा साथियों 60 वेज। ठीक साथियों, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में और कुछ नया सीखेंगे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।